इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि जो किसान भाई नया पोल्ट्री फार्म शुरू करने की सोच रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां कौन सी रखनी चाहिए और नमस्कार, फार्मिंग बाबा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी जानकारी आपको मिल सके। किसान भाइयों, आज फिर हम बठिंडा के गांव कटार सिंह वाला में पहुंच गए हैं, जहां तीन भाइयों ने मिलकर पोल्ट्री फार्म शुरू किया है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि जो किसान भाई नया पोल्ट्री फार्म शुरू करने की सोच रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां कौन सी रखनी चाहिए और जो मुर्गे हैं उनको फीडिंग किस तरह से दी जानी चाहिए। तो ये तमाम जानकारी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बेहद जरूरी वीडियो होने वाली है, तो अंत तक जरूर इस वीडियो को देखें। किसान भाई सुखविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद है। सुखविंदर जी, आपका एक बार स्वागत है फार्मिंग बाबा हाँ जी, में। नमस्कार जी। सुखविंदर भाई, थोड़ा सा किसान भाइयों को जानकारी दो कि जो आपने पोल्ट्री फार्म शुरू किया है इसमें आप जो बर्ड्स हैं इसकी फीडिंग का क्या प्रोसेस है? हाँ जी, देखो असि भी यानी कि फार्म नया हो किया था, शुरू किया था। पहले तो सबसे पहले जो मेन बात है, अभी आपका जो शुरू करते हैं आपने बच्चे डाले हैं जब चिक्स, तो पहले साफ सफाई आपके फार्म की बढ़िया होनी चाहिए। उसमें स्प्रे करनी पड़ती है, नीचे से बढ़िया साफ करके उसमें कली वगैरह डालना पड़ता है, क्योंकि अगर नीचे से पहले बिल्कुल सही है आपका फार्म तो बीमारियां कम कम होगी बच्चों को। तो मैं बता दूं आपको कि जो फार्म है नीचे से बिल्कुल साफ है, एक बार दिखा भी दूं जैसा कि भाई बता रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे बर्ड्स डालते हैं तो उसके बाद में गंदगी होनी शुरू लाजमी है, तो उस बारे में सुखविंदर भाई ने हमें बड़ी अच्छी जानकारी जो दी है। अच्छा भाई, फीडिंग का क्या प्रोसेस है? हाँ जी, फीडिंग का ऐसे है भी, जैसे भी बच्चा छोटा है तो उसके लिए छोटे फीडर हैं, उनको नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि वो खड़े होके खाने चाहिए बच्चे। अगर खड़े होके नहीं खाएंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा, उनके टांगे कमजोर हो जाएंगी, फिर वो उठना चलना फिरना उनका बंद हो जाता है। तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना, पहले सबसे पहले नीचे रखने पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे हमारे छोटे फिल्टर लगे हुए हैं बीच में, वैसे हमने उठाए नहीं है। आ जाओ, थोड़ा सा दिखाते भी हैं आपको साथ के साथ के कौन से जो बकेट हैं बता रहे हैं फीडर सुखविंदर भाई। हाँ, तो ये वाला है। हाँ जी, ये वाले छोटे हैं यानी कि बिल्कुल नीचे चले जाते हैं ऐसे, तो इसमें क्या है, जो जब छोटे चिक्स होते हैं तो बड़े आराम से खा लेते हैं, फीड फीड खा लेते हैं, तो उसके बाद थोड़ा ये बड़े आ जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बड़े फीटर लगाने पड़ते हैं, तो उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ते हैं तो इनको ऊपर डाउन जहाँ उसके हिसाब से करना पड़ता है। अच्छा भाई, इसमें कौन कौन सी फीड आप दे रहे हो थोड़ा ये भी बताओ। फीड तो अभी तो हम यानी कि हमारे इधर सुखपाल भाई हैं, उनसे ले रहे हैं, FP की फीड डाल रहे हैं अभी तो हम, तो FP की फीड से यानी कि बढ़िया प्रोग्रेस हमारे बच्चों की। तो बाकी अभी हमने कोई दूसरी फीड अभी तक नहीं देखी है, यानी कि जूज ये कर रहे हैं, हमारा नया काम है तो हमने पहली फर्स्ट में यही जूज किया है। अच्छा, जैसे खर्चे की बात करें इस पे फीडिंग का तो कितना आ जाता है? जैसे अगर बर्ड की बात करें एक की तो कितना खर्चा हो जाता है? एक बर्ड लगभग 2 kg फीड में तैयार होता है, तो खर्चे का तो ऐसा, जैसे मार्केट बढ़ती है तो फीड का रेट बढ़ जाता है, उसी हिसाब से तो खर्चा होता है। जैसे मार्केट थोड़ा डाउन है तो इनके फीड भी डाउन होती है, तो खर्चे का तो हम बोल नहीं सकते भी कितना खर्चा आता है, लेकिन लगभग 2 किलो फीड से बच्चा तैयार होता है। अच्छा, कितने दिन में ये तैयार हो जाती है फसल? फसल तो यानी कि 25 दिन में 1100-1200 ग्राम का हो जाता है बच्चा। उसके बाद आप मोटा करके बेचना है जहाँ तभी उठवाते हो, वो आपके ऊपर है जहाँ मार्केट के ऊपर है। वो उसका थोड़ा सा बताओ कितने दिन बाद हो जाता है अच्छा तंदुरुस्त जो है? अभी हमारे ये 35 दिन के हो गए हैं बच्चे, लगभग 2 kg के हो गए हैं, तो वो अपने हिसाब से करना है। जैसे आपको मार्केट में अच्छा रेट मिलता है तो आप उठवा सकते हो, या वो मार्केट के ऊपर ही है भी, हम ऐसे नहीं बोल सकते भी इतना हो जाएगा जहाँ ऐसे हम बेच देंगे, वो उसी के हिसाब से चलता है। अच्छा, जो मार्केट का रेट है वो डेली अप डाउन होते रहता है? हाँ जी हाँ, वो डेली अप डाउन होता है, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है, वो मौसम के हिसाब से जहाँ कोई त्यौहार के हिसाब से उस हिसाब से होता है। अभी हम भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं इस चीज़ का, धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन हम इतने एक्सपर्ट भी नहीं हुए अभी तक इसमें। तो अच्छा, जैसे आपने बताया कि स्प्रे किया है, कली डाली है, चलो कली का तो हमें पता है, स्प्रे किस चीज की किया? स्प्रे जैसे कोई इसमें अभी थोड़ा गंदगी हो जाएगी तो जर्म्स वगैरह हो जाते हैं, उनको मारना जरूरी है। जैसे नीचे भी फीड गिर जाती है, बच्चे खाएंगे तो कई बार क्या है, नीचे से कोई कीटाणु हुआ तो वो भी खाते रहते हैं, ये
क्योंकि ऐसे अकेला फीड नहीं खाएंगे, अगर वो जर्म से खाएंगे या कुछ उनके अंदर जाएगा या गंदगी जाएगी तो बीमार होंगे, वो तो नेचुरली सी बात है। अच्छा सुखविंदर भाई, जैसे आपने नया फार्म किया अभी है ना, करीब 3 महीने हुए होंगे है ना, तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना बताओ कि जो किसान भाई नए हैं करना चाहते हैं तो आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है इसका? देखो जो फार्मिंग हमने नहीं की है, जो करना चाहते हैं उनको भी सही गाइडलाइन देने वाले यानी कि बंदे जाना, पहले अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लासें वगैरह लगानी चाहिए, बाकी जब क्लास लगाने के बाद तो यही अभी यानी कि अपने हिसाब से ही वो करना पड़ता है, इनको पालना पोसना पड़ता है। तो जैसे अभी यानी कि जो कंपनियों के बंदे हैं जहाँ भी जो एक्सपर्ट बंदे हैं पहले उनसे मिलके चलना पड़ता है इसमें। तो एक चीज़ और भाई बताओ कि जैसे कि आपने अभी काम किया है तो आपको किस तरह का काम लगा, ये अच्छा काम है या लॉस वाला है या किस तरह से? मतलब देखो बाकी तो किस्मत के ऊपर है, भी लॉस भी हो जाता है इसमें कई बार, अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छा भी चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं अभी हर बार लॉस ही होगा, तो कई बार ऐसा है अगर बच्चों को कोई बीमारी वगैरह पड़ गई तो लॉस में भी जाना पड़ता है भाई। तो अभी तक तो हमारा तो ठीक ठाक चल रहा है, हमारे भाई थे हमारे यानी कि अच्छा गाइड किया उन्होंने, तो बाकी ठीक ही चल रहा है बस। सुखविंदर भाई एक और चीज़ क्लियर करो कि जो ये बर्ड है ये अकेला मीट के लिए ही काम आएगा या फिर कोई अंडे वगैरह के लिए या कुछ? नहीं, ये अकेला मीट के लिए, अंडे के लिए अलग होता है, अंडे का क्या है वो प्रोजेक्ट दूसरा होता है, उसमें क्या जाली में मुर्गियाँ रखी जाती हैं, वो तो यानी कि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है उनका, साल भर का लगभग होता है वो प्रोसेस। ये क्या है, ये तो अकेला मीट के लिए है, जैसे 35-40 दिन में तैयार होगा सब कुछ तो तब निकाल देते हैं, फिर नया लोड डालेंगे इसके तैयार करके। अच्छा भाई, जैसे जो किसान भाई सोच रहे हैं नया फार्म करने की तो वो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखें कि फार्म शुरू करने से पहले? ध्यान में तो देखो जी, पहले तो सबसे पहले है साफ सफाई का, अगर आपका फार्म बिल्कुल तैयार है ऊपर से बारिश होती है तो डॉप करानी चाहिए, तो वो साफ सफाई रखोगे तो उतनी यानी कि जो बीमारी है कम पड़ेगी, तो बाकी आपकी संभाल के ऊपर है, जितना आप उनको अच्छी तरह संभाल लोगे, बच्चों के बीच में रहोगे तो वो उतना ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। एक चीज़ और लास्ट में क्लियर कर दो कि कोई दवाई दूरी भी इनको देनी पड़ती है कुछ ट्रीटमेंट? हाँ जी, दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ बहुत देनी पड़ती हैं, जैसे इंजेक्शन आते हैं 5वें दिन देना पड़ता है, फिर 11वें दिन देना पड़ता है, फिर उसके बाद जैसे भी बच्चों में कई आवाज़ें आती हैं या उसमें जहाँ गर्मी आती है तो इनको अपना बी कम्प्लेक्स वगैरह और ठंडा पाउडर पानी में डालना भी, काफ़ी काफ़ी दवाइयाँ वगैरह होती हैं जो देनी पड़ती हैं, टाइम टू टाइम देनी पड़ती हैं। तो किसान भाइयों, अगली वीडियो में फिर हम एक और नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे, तो आज की वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी है जो नए पोल्ट्री फार्म जो किया है जिन्होंने सुखविंदर भाई ने उन्होंने दी है। आज की वीडियो में इतना ही, फिलहाल अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो फार्मिंग बाबा चैनल पर चलवाने के लिए 88 726 01 726 पर व्हाट्सएप करें।